मोदी सरकार भले ही नोटबंदी को ऐतिहासिक कदम बताकर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन अमेरिका की एक शीर्ष पत्रिका का मानना है कि मोदी का नोटबंदी का फैसला हाल के आर्थिक इतिहास में देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला प्रयोग साबित हुआ है। फॉरेन अफेयर्स मैगजीन के ताजा अंक के मुताबिक नोटबंदी के चलते भारत की नकद आधारित अर्थव्यवस्था में ठहराव सा चुका है। पिछले साल 8 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी का ऐलान करते हुए 500 और 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए थे। फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स के ताजा अंक में नोटबंदी को लेकर लेख छपा है, जिसमें कहा गया कि नोटबंदी ने साबित कर दिया कि वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला एक्सपेरिमेंट था। अब मोदी सरकार को अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए। इस लेख को लिखने वाले जेम्स कैप्री ने सिंगापुर में ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में सीनियर रिसर्च फेलो है। वे भारत में नोटबंदी की काफी आलोचना करते रहे हैं। क्रैपरी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक कामयाबी तो सही है, लेकिन उनके ग्रोथ लाने वाले रिफॉर्म्स ने लोगों को एक तरह से निराश किया है। नोटबंदी के लिए सरकार ने जितने बड़े स्तर पर काम किया, उसने अर्थव्यवस्था पर उतना असर नहीं डाला। हालांकि ये फैसला पूरे हिंदुस्तान में काफी प्रसिद्ध हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी के इस फैसले ने जीडीपी पर ज्यादा असर नहीं डाला। शॉर्ट टर्म ग्रोथ के लिहाज से नोटबंदी खराब रही। रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी की सबसे ज्यादा मार गरीबों पर पड़ी है और इससे भारत की कैश आधारित अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक गतिविधियां ठप हो गईं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।